2010 में फिल्माई थी लव, सेक्स और धोखा। अपने समय की बड़ी शॉकिंग और अटपटी फिल्मों में से एक ये फिल्म तीन कहानियों की एंथोलॉजी। इसमें ऑनर किलिंग, एमएमएस स्कैंडल और स्टिंग ऑपरेशन जैसे मसलों पर बात की गई थी। अब इस फिल्म का सीक्वल आया है लव, सेक्स और धोखा 2। इसको भी दिबाकर नहीं डायरेक्ट किया है। फिल्म के बोल्ड कंटेंट को लेकर हल्के फुल्के बवाल भी हुए, अश्लील और बहुत कुछ इस फिल्मों को अब बुलाया जा रहा है। फिल्म की रिलीज से पहले खबरें आई थी कि इन विवादों की वजह से लव, सेक्स और धोखा 2 के प्रोड्यूसर शोभा कपूर और उनकी कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स ने फिल्म से दूरी बना ली है। उन्होंने फिल्म के क्रेडिट प्लस से अपना नाम भी हटवा लिया है। उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि वो किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी से खुद को दूर रखना चाहती है। फिल्म ने आज के समय के युद्ध की असलियत को इतना ऑथेंटिक तरीके से पेश कर दिया है कि ये लोगों को हलने लगा है। लव, सेक्स और धोखा 2 में ऑनलाइन गेमिंग, रियलिटी शो, टीआरपी और सब्सक्राइबर की भूख जैसे मुद्दों को उठाया गया है। इसलिए बालाजी टेलीफिल्म्स और शोभा कपूर का नाम फिल्म के प्रोड्यूसर वाली क्रेडिट प्लस पर नजर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली नजर में ये चीज प्रमोशनल स्ट्रेटजी जैसी लगी क्योंकि मेकर्स को फिल्म के ट्रेलर से जितनी खबरें बनने की उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। उन्हें लगा था कि जिस तरह का शॉकिंग कंटेंट उन्होंने बनाया है उसे लेकर बड़ा विवाद छिड़ जाएगा, फिल्म की रिलीज मुश्किल में पड़ जाएगी। मगर असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मेकर्स फिल्म को माइलेज देने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं जिससे पब्लिक हैरान हो जाए, जनता को लगे कि फिल्म में ऐसा क्या दिखा दिया कि प्रोड्यूसर ने ही अपने हाथ पीछे कर लिए। इन्हीं चक्करों में लोग थिएटर्स में जाकर उनकी फिल्म को देखें। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो समझ से परे है। तीन कहानियां एक साथ चलती हैं। पहले में एक ट्रांसजेंडर के रियलिटी शो के जरिए दुनिया पर छा जाने की कहानी है। ये शो बिग बॉस के तर्ज पर दिखाई देता है लेकिन इसके जज सारेगामा पा की तर्ज पर नजर आते हैं। दूसरी कहानी एक और ट्रांसजेंडर की है जो मेट्रो कंपनी में काम करती है। इस कहानी में उसका बॉयफ्रेंड और बॉस भी शामिल रहता है। तीसरी कहानी में वर्चुअल वर्ल्ड की हकीकत को दिखाने की कोशिश की गई है। कोशिश इसलिए क्योंकि जो दिखाया गया है शायद वो 100 में से 25 लोगों को ही समझ आए। ऐसी तमाम एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी मीडिया।